लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश कांग्रेस संगठन में बदलाव की चर्चाओं पर अब ब्रेक लग गया है। संगठन में बदलाव के सवाल पर पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि बदलाव एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी का पूरा संगठन पंचायत चुनाव में जुटेगा। पायलट ने कहा कि समय समय पर संगठन में बदलाव होते रहते हैं, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं का एक ही उद्देश्य है, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मिशन 25 में पूरी तरह कामयाब होगी और इसके बाद संगठन का अगला लक्ष्य पंचायत चुनाव होगा। पायलट ने इस बयान के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस संगठन में लोकसभा चुनाव के बाद किसी तरह का बदलाव नहीं होगा और पार्टी आगामी निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगी। पायलट ने पीसीसी कार्यालय में प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान विधायक दानिश अबरार, गोपाल सिंह इडवा सहित कई कांग्रेसी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जीवन में बदलाव एक निरंतर प्रतिक्रिया है। आज कोई नेटवर्क एटी में काम कर रहा है, कल वो A1 में चला जाएगा, A1 वाला फर्स्ट इंडिया में चला जाएगा, इसका तो ये चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम सब पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं और क्योंकि 23 मई को परिणाम आएंगे लोकसभा के और मैं तो एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूँ, इसलिए तुरंत बाद मेरा पूरा ध्यान रहेगा पंचायत के चुनाव आने वाले हैं चंद महीनों के बाद। तो पूरा संगठन, अब अगली चुनौती हमारी है ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायत चुनाव आएंगे अक्टूबर सितंबर।